अपनी नशीली निगाहों से लाखों करोड़ों दिलों को नशे में डालने वाली बॉलीवुड की अदाकारा जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम में मोहिनी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में राज किया। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में ऐसे कई हादसे सुने होंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की उस मशहूर अदाकारा से रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी मृत्यु उनके बेटों ने बेरहमी से कर दी। तो चलिए जानते हैं कि इनकी मृत्यु के पीछे की वजह क्या थी जिसकी वजह से इनके बेटों ने इनकी मृत्यु कर दी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे की वजह, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक चेतन आनंद उस समय अपनी फिल्म हकीकत के लिए नए चेहरे को ढूंढ रहे थे। तब उनकी मुलाकात प्रिया राजवंश से हुई। प्रिया राजवंश से मुलाकात होने से पहले चेतन आनंद अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अलग हो गए थे। इसी वजह से फिल्म के दौरान चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से शादी नहीं की, लेकिन वह प्रिया को इतना चाहने लगे थे कि इन्होंने इसके लिए अपने भाइयों से भी लड़ाई कर ली। प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से अपना प्यार कुछ इस तरह जाहिर किया कि उन्होंने बॉलीवुड के करियर में केवल चेतन आनंद के साथ ही फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदुस्तान की कसम और हंसते जख्म जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रिया राजवंश पहली अभिनेत्री थी जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। चेतन आनंद ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और इसी वजह से उन्होंने प्रिया राजवंश के लिए एक अलग से बंगला बनवाया और कई सालों तक इनके साथ रहे। इनकी खुशहाल जिंदगी में ब्रेक तब लगा जब साल 1957 में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई। चेतन आनंद की वसीयत में उनकी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रिया राजवंश का था। इसी वजह से चेतन आनंद के दोनों बेटों को प्रिया राजवंश से नफरत सी होने लगी और इसी के चलते इन्होंने इनके बंगले की नौकरानी माला चौधरी और एक कर्मचारी अशोक स्वामी के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश अपने बंगले में मृत पाई गई और इनके पीछे की वजह यही फैली कि ये अपने पति की मृत्यु का गम सहन नहीं कर पाई। लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पता चला कि इनकी मृत्यु के पीछे उनके दोनों बेटों और दो नौकरों का हाथ था। और मुंबई की एक अदालत में 27 मार्च 2000 को चेतन के दोनों बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद के साथ दो नौकरों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों, आपको प्रिया राजवंश के मृत्यु के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।